आपका स्वागत है। मैं विनोद बिप्लव आपका दोस्त, और आज साथ हैं रफ़ी अरुण गौतम जी, जो कि रफ़ी साहब के चाहने वालों में से एक हैं, और इन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया है रफ़ी साहब से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ओपी नैयर और रफ़ी साहब के बीच तो बहुत गहरा रिश्ता था, इतना गहरा था कि नैयर साहब ने एक बार कहा था कि अगर रफ़ी नहीं होता तो ओपी नैयर नहीं होता। लेकिन एक ऐसा विवाद, एक ऐसा वाक्या हुआ, एक ऐसी घटना हुई है कि रफ़ी साहब एक रिकॉर्डिंग में देर से पहुंचे थे, तो नैयर साहब इस बात को लेकर इतना खफा हो गए कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं आपसे कोई गीत नहीं गवाऊंगा। हम लोग आपस में बात करेंगे, इनसे जानते हैं रफ़ी अरुण गौतम जी से कि आखिर वो घटना क्या थी, क्या ये सही था कि एक दिन, मतलब एक रिकॉर्डिंग में कोई अगर देर से आए तो वह इतनी बड़ी बात हो कि एक जो संगीतकार है वो कहे नहीं जी आज के बाद मैं आपसे कोई गाने नहीं गवाऊंगा। तो आइए जानते हैं रफ़ी अरुण गौतम जी का क्या विचार है, क्या इन्होंने पढ़ा है इसके बारे में। नमस्कार, सबसे पहले मैं शुरू के बाद शहनशाह तरन्नुम पद्म श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को सत नमन करता हूँ। रफ़ी साहब ने लगभग हमारे जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं मेरे पास या हमारे पास जो दस्तावेज है वो तो लगभग 7,000 के करीब गाने गाए रफ़ी साहब ने, और 7,000 गाने, एक एक गाने से रफ़ी साहब की शख्सियत जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि रफ़ी साहब ने 7,000 गाने गाए तो 7,000 रफ़ी साहब की ईमानदारी, रफ़ी साहब की इंसानियत, परोपकार, नेकी के किससे उपलब्ध है। 7,000 बता रहा हूँ आपको, एक गाने से रिलेटेड एक किस्सा, मतलब 7,000 रफ़ी साहब की नेकी दरिया दिली के किस्से मिलते हैं हमारे पास, अगर हम लोगों से एक दूसरे से हम गुफ्तगू करेंगे तो। और रहा सवाल आपने ओपिनियन का जिक्र किया, देखिए साइकोलॉजी का एक नियम है कि कोई भी घटना का जो रिएक्शन होता है वो तुरंत नहीं होता, कुछ के कुछ सब्स्टिट्यूट या पहले से पूर्वाग्रह हो सकते हैं, पूर्वाग्रह मीन्स यानी कि उनकी पुरानी कोई ऐसी घटना हुई हो जो उनको नापसंद आई हो। तो इस पहलू पे मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि ये रफ़ी साहब उस दिन रिकॉर्डिंग में लेट आए थे, और इस छोटी सी बात के पीछे रफ़ी साहब जो ओपिनियन है, रफ़ी साहब के बिना किसी संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे रफ़ी साहब के बिना, और रफ़ी साहब के गानों से ही ओपिनियन बड़े बड़े संगीतकार बने, और वो उस महान गायक को कहते हैं कि क्या नाम है, मेरी जगह मेरे लिए समय नहीं है तो मेरे लिए भी आपके समय नहीं है, तो इतनी बड़ी घटना नहीं बोल सकते थे ओपिनियन। इसके मेरा ऐसा मानना है, मैंने इस पूरे पहलू पे बड़ा गहन अध्ययन किया, और वो अध्ययन का मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ऐसे कुछ कारण ऐसे पहले से रहे जिसके कारण ओपिनियन साहब रफ़ी साहब से खपा हो गए। सबसे पहला रीजन ये था कि उस दौरान जो 60 का गोल्डन पीरियड था उसमें दो ही संगीतकार ऐसे जो चोटी के थे जिनकी आपस में प्रतिद्वंदिता होती थी, शंकर जयकिशन ओपिनियर कि इस साल की नंबर वन फिल्म ओपिनियर, इस साल की नंबर वन फिल्म शंकर जयकिशन, और ऐसी होड़ चला करती थी कि वो ओपिनियर अपने आप को कहीं भी दूसरे पायदान पे नहीं दिखाना वो चाहते, तो वो रफ़ी साहब के ऐसे ऐसे गाने लिया करते थे, एक तरफ वो शंकर जयकिशन शम्मी कपूर के साथ एक से एक टॉप की फिल्म बना रहे थे, और उधर ये ओपिनियर साहब दूसरे कलाकार विश्वजीत जॉय मुखर्जी और शम्मी कपूर जी को लेकर फिल्म बना रहे थे। तो हुआ किस्सा ये कि ओपिनियर साहब शंकर जयकिशन को पसंद नहीं करते थे, एक बात तो ये होगी, और वो उस दिन रफ़ी साहब से ये हुआ कि रफ़ी साहब अगर चाहते तो ये बोल सकते थे कि जी मेरा घर बांद्रा में है, और बांद्रा से ताड़देव में कितनी लंबी दूरी है और कितना आज भी कितना किलोमीटर का जाम रहता है, तो रफ़ी साहब बोल सकते थे कि बांद्रा से आते वक्त है ना वो जाम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया,
लेकिन रफी साहब बहुत ईमानदार और बिल्कुल स्पष्ट बातें थे और बिल्कुल उनके मन में किसी पर खटास किसी कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने सच्चे मन से बोला कि मैं शंकर जय किशन की रिकॉर्डिंग में बेस्ट था। बस वो शंकर जय किशन जी का ओपिनियन ने नाम सुना और वो आग बबूला हो गए कि, और वो आग बबूला का कारण ये भी था कि शंकर जय किशन के साथ रफी साहब के हर गाने तो पहले पायदान पे बज रहे थे, दूसरे पायदान पे बज रहे थे, तो ये एक उनका पूर्वाग्रह भी था। और इसके अलावा जो मेन कारण था वो मैं बताना चाहूंगा कि ओपी नैयर हर एक आप संगीतकार जितने हमारे आप लीजेंड संगीतकार हुए ना उनके कोई ना कोई असिस्टेंट संगीतकार हुआ करते हैं। जैसे मान लो आप नौशाद साहब के साथ गुलाम मोहम्मद साहब थे और रोशन साहब के साथ अपने सोनी कोमी जी थे और कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट आप जानते हो लक्ष्मीकांत जी थे और ओपी नैयर जी के जो संगीत संगीतकार थे वो थे जी एस कोहली साहब। तो रफी साहब जब किसी भी गीत की रिकॉर्डिंग किया करते थे तो वो रिकॉर्डिंग के और रिहर्सल के टाइम में क्या होता था कि जो असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे या म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे वो सिंगर के साथ बैठ के सिटिंग किया करते थे कि आपको ऐसे गाना है, ये मैं धुन ऐसा दूंगा और ये आपको यहाँ पर उठाना आवाज को, आपने यहाँ पर ये गायिका गाएगी या संगीत बजेगा, वो सब अरेंज किया करते थे। तो रवि साहब क्या करते थे जब उनके साथ सिटिंग किया करते थे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ और म्यूजिक अरेंजर के साथ, तो रवि साहब उनकी जो काम की इतनी तारीफ किया करते थे तो उनको बोला करते थे आप इतने बड़े म्यूजिक आप सब कुछ कर रहे हो तो आप खुद इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्यों नहीं शुरुआत करते, मैं आपके साथ फ्री में गाऊंगा। तो रवि साहब इतना प्रोत्साहित करते थे, वो प्रोत्साहित कैसे किया जब कल्याण जी के साथ लक्ष्मीकांत जी बजा रहे थे उनके वाद्य यंत्र बजाया करते थे तो रफी साहब उनकी तारीफ करते थे लक्ष्मीकांत की जी आप इंडिपेंडेंट क्यों, तो रफी साहब ने खुद उनको कहा कि आप अपना म्यूजिक शुरू कीजिए संगीतकार इंडिपेंडेंट मैं आपके साथ फ्री में गाऊंगा। तो उन्होंने शुरू किया तो वो कल्याण जी हो गए खपा उनसे लक्ष्मीकांत के यार ये क्या हुआ ये तो अलग हो गए। और दूसरी तरफ ऐसी हुआ रोशन साहब की म्यूजिक जो आप ताजमहल के गाने सुन सकते हैं ये जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और वो बरसात की रात के गाने सुनिए वो उसमें म्यूजिक ये थे आप सोनी कौमी जी और सोनी कौमी जी के बिना रोशन जी अधूरे थे। और रफी साहब जब सोनी कौमी जी के साथ सीटिंग किया करते थे तो सोनी कौमी जी की इतनी तारीफ करते थे कि आप हुनर की क्या तारीफ की जाए आप तो महान है। तो रफी साहब ने भी उनको ये कहा कि आप इंडिपेंडेंट आप तो मैं भी बढ़ावा देते थे प्रोत्साहित करते थे संगीतकार को। तो उन्होंने अभी अलग इंडिपेंडेंट म्यूजिक शुरू किया था रफी साहब के साथ पहला गाना गाया वो दिल ने फिर याद किया था वो गाना उस फिल्म का सारे गाने हिट हुए और रफी साहब के गाने इतने हिट हुए कि वो उनका सोनी कौमी जी का इतना नाम हो गया वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। और दूसरी तरफ वो रोशन जी रफी साहब से खपा हो गए कि यार इन्होंने मेरा इनके साथ गाने गा के मेरा कैरियर खराब कर। तो आप रोशन जी की म्यूजिक की फिल्में देख सकते हो 66 के बाद तो उसमें रफी साहब के उन्होंने कम गाने लिए उन्होंने मुकेश को ज्यादा लिए और ऐसी आप उसमें देखते हैं कल्याण जी ने भी वो मुकेश को लिया जबकि रफी साहब को गवा रहे थे। और अब आ जाओ ओपी नैयर साहब के पास ओपी नैयर साहब इसके अलावा रफी साहब से इस वजह से खपाते कि रफी साहब उषा खन्ना जी के लिए खूब गाने गा रहे थे उस दौरान। आप देखिए दिल देके देखो फिल्म आई थी उषा खन्ना जी का म्यूजिक था और आज तक वो उस दौरान कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उषा खन्ना जी का म्यूजिक है, सब कहते थे कि ओपी नैयर का म्यूजिक है। तो लोग आप ही देखिए कम पैसे में अगर म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना सेम म्यूजिक दे रही है ओपी नैयर का तो ओपी नैयर जी का तो सकते दाव पे लग गया। तो इसके बाद भी आप देखिए उषा खन्ना की बहुत सारी मूवी देखी है तो उसमें भी आप वही सेम रिदम उषा खन्ना जी लेके आई जो ओपी नैयर जी की थी। और फिर रफी साहब उषा खन्ना जी के साथ खूब गाने गा रहे थे बड़े हिट हो रहे थे सारे गाने। इसके अलावा जो मेन खपा होने का कारण था ओपी नैयर जी का
ओपन एजी के जो म्यूजिक अरेंजर थे जीएस कोहली साहब, रवि साहब ने उनको भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में स्थापित किया और शिकारी फिल्म के इतने लाजवाब गाने थे, हम छोटे छोटे बच्चे स्कूल में थे ना तो स्कूल से भाग के शिकारी फिल्म देखने जाया करते थे। हमारे घर के पास ही एक पहले सिनेमा होता था, वहां पर हमेशा वो फिल्म शिकारी लगती थी, तो शिकारी लगने के बाद वो फिर पेस्टेंट सिनेमा पे आ जाती थी, फिल्म पेस्टेंट से फिर वो गोलचा पे चली गई, गोलचा से जगत पे चली गई, तो हम हर हॉल में वो फिल्म देखने जाते थे। और उस फिल्म का इतना लाजवाब म्यूजिक था, मेरा सबसे एक ही फिल्म बार बार देखते नहीं, हाँ शिकारी फिल्म के आप गाने सुनिए, शिकारी फिल्म के वो दो गाने रफी साहब के ड्यूट गाने, चमन के फूल को गुलाब कहते हैं, और वो अगर मैं पूछू जवाब दोगे, क्या गाने थे, और वो तुमको पिया दिल दिया और हिट गाने थे, और वो चित्रार में भी यही गाने बजते थे, तो वो ओपिनियन है वो और ज्यादा खपा हो गए कि एक तो मेरे जो म्यूजिक अरेंजर था आपने छीन लिया, आपने उसको इंडिपेंडेंट बना दिया, उसके अलावा वो मेमू साहब एक फिल्म कर रहे थे नमस्ते जी, नमस्ते जी के गाने इतने लाजवाब गाने थे, इतने लाजवाब गाने थे, वो किसी कारण से ओपिनियन साहब ने खपा होके वो जीएस कोहली साहब का म्यूजिक था वो फिल्म के गाने मार्केट से आउट करा दी, वो फिल्म भी आउट हो गई, आज तक वो फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके गाने रिकॉर्ड हैं मेरे पास, सारे रिकॉर्ड हैं नमस्ते जी के, और इतने रफी साहब के लाजवाब गाने थे नमस्ते जी के, हमें क्या जो हरसू जो उजाले हुए हैं, क्या लाजवाब रफी साहब ने गाना गाया बताइए जीएस कोहली साहब के, तो ये कुछ कारण ऐसे थे जो ओपिनियन साहब खपा हुए, और जिसके कारण क्या नाम है वो उन्होंने रफी साहब से जो पूर्वाग्रह था इन बातों से वो उन्होंने रफी साहब वो रफी साहब के प्रति उन्होंने निकाला कि मैं आपके साथ फिल्म नहीं करूँ। और इसका देखिए रफी साहब कितने फरिश्ता आदमी थे कि रफी साहब ने अभी तक नहीं किया, और रफी साहब ने जब उन्होंने रफी साहब को नहीं लिया कोई उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे ओपन एयर म्यूजिक जिसमें रफी साहब को नहीं गाने दिया था, वो गाना था ये सावन की घटा फिल्म, ये सावन की घटा का ये रिकॉर्ड है, और इसमें वो रिकॉर्ड है जो गाना था आप देख सकते हैं, ये गाना था मेरी जान तुम पे सदके, ये जो रफी साहब गाने उस दिन रिकॉर्डिंग में ओपिनियन साहब के साथ गाना गाने वाले थे, और ओपिनियन साहब खपा होकर फिर ये गाना महेंद्र कपूर जी से गवाया, और आप इस गाने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये रफी साहब की महान महान शख्सियत देखे, रफी साहब की आवाज की रूहानियत देखे, कि जब महेंद्र कपूर साहब से रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बार बार उनको टोक रहे थे ओपिनियन, अरे क्या गा रहे हो आप, रफी साहब को नहीं सुनते आप, क्या आप रफी साहब जैसा गाइए, उनको जबरदस्ती रफी साहब के रफी साहब कह कह के रफी साहब जैसा गाओ रफी साहब, लेकिन आप दोनों गानों का कंपेयर करोगे ना, ये रफी साहब का जुल्फों को हटा ले चेहरे से और मेरी जान से देख, तो आप रफी साहब का महेंद्र कपूर का डिफरेंस देख सकते हो कि, और इस चीज को ओपिनियन साहब ने भी रियलाइज किया कि यार चलेगा, मैंने महेंद्र कपूर को तो ले लिया लेकिन जो बात रफी साहब की है वो नहीं है, तो चूंकि क्या है कि रफी वो बड़े जिद्दी टाइप के जो अहम था ओपिनियन साहब में, तो उन्होंने क्या किया कि उसी दौरान जब रिकॉर्डिंग चल रही थी और भी फिल्मों की भी वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ये दो फिल्में और थी, ये रात फिर नहीं आएगी जिसमें रफी साहब दो ड्यूट गा चुके थे, और ये हम सायक भी रफी साहब गाने गा चुके थे, लेकिन फिर भी रफी जो नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग हो रही थी इन फिल्मों की भी, तो ओपिनियन साहब ने फिर महेंद्र कपूर को इनके गाने, लेकिन आप इनमें इन फिल्मों में जो रफी साहब के गीत हैं और आप महेंद्र कपूर के गीत हैं वो आप क्या नाम है सुन सकते, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि रफी साहब कितने महान सिंगर थे, उनकी आवाज क्या थी क्या खासियत थी आवाज, वो आपको इन गानों से पता चल जाएगा, दिल की आवाज भी सुन वो चीज महेंद्र कपूर वाले में नहीं आती, वो तो आवाज में नहीं आती आप, अब वही चीज आप सायरा फिल्म में रामलाल के साथ हुआ, रामलाल साहब एक सायरा फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे महेंद्र कपूर के साथ, तो महेंद्र कपूर साहब गाना बोला कि आप ये आवाज उठाइए कि तकदीर का फसाना जाकर तो वो अरे ये क्या गा रहे हो आप ढंग से गाइए ना, वो गाए मैं तो वो कभी तेज गाते थे कभी स्लो गाते थे, तो वो कहते भी आप क्या गा रहे हो, तो उन्होंने पूरा गाना उनसे रिहर्सल कराया लेकिन तब भी है ना उन्होंने उनको सुनाया। हाँ एक उदाहरण और बताना चाहूंगा कि
एक फिल्म बननी थी सहरा फिल्म, जिसमें संगीतकार रामलाल जी थे और फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वी शांताराम जी, तो उन्होंने कहा कि एक इसमें सैड सॉन्ग होना चाहिए, तो रामलाल जी ने एक गाना तैयार हुआ तकदीर का फसाना जाकर के सुनाए, मेरे दिल में जल रही है, चूंकि वो बी शांताराम जी के लिए महेंद्र कपूर गाने गा रहे थे, तो उनका घनिष्ठ संबंध थे उनके साथ महेंद्र कपूर जी के, तो क्या हुआ कि जब रामलाल जी उनके साथ रिहर्सल कर रहे थे गाने की, तो चूंकि बड़ा पीक पे बड़े स्केल पे जाके गाना गाना था, तो वो महेंद्र कपूर जी तो बड़े स्केल पर गाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि माने जाते थे, जब वो रामलाल जी ने कहा कि आपकी ये तकदीर का फसाना, तो वो नहीं गा पाए, तो उन्होंने कहा पूरा दिन रिहर्सल किया, उन्होंने फिर भी शांताराम जी को बताया कि साहब ये गाना है ना आप खुद सुन लिया, आप आइए रिकॉर्डिंग पर रिहर्सल पर देखिए, तो उन्होंने सुना, तो फिर बाहर गए भी शांताराम जी को बताया, भी शांताराम जी ने कहा बताइए आपके मन में क्या चल रहा है, तो रामलाल जी ने बताया कि मेरे को ये आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, गाने के पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं महेंद्र कपूर साहब, तो कह रहे क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ये गाना सिर्फ एक ही गायक गा सकते हैं, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाता हूँ, वो मेरे बहुत इज्जत करते हैं, वो गा देंगे, तो भी शांताराम जी कहते हैं वो लेकिन मेरे ख्याल से तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो मेरा जो जुड़ाव है महेंद्र कपूर लता जी के साथ ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए, तो जब उन्होंने रामलाल जी ने यही गाना जब रफी साहब के साथ रिकॉर्ड किया रिहर्सल किया, और उन्होंने रामलाल जी ने रफी साहब को गले लगा लिया, कर यही तो मैं चाह रहा था, ये गाना यही तो आवाज मैं बार बार बता रहा था, वो फिर उन्होंने गाना उन्होंने रिकॉर्ड करके वी शांताराम जी को सुनाया, रफी शांताराम जी इतने प्रभावित हुए उस रफी साहब के गाने के तकदीर का फसाना जाकर क्या सुना, करो यार रामलाल जी मैं आपकी है ना जो आप कोहिनूर को परख लेते हो वो हीरे को जो परखा आपने वो आपकी दाद देता हूँ, और मैं आपको ये रफी साहब से मत कहना लेकिन मेरी ये सहमति आपकी आप रफी साहब से सारे गाने गवाइए, वो रामलाल जी बड़े खुश हुए, फिर रफी साहब के उन्होंने ये सहरा फिल्म में सारे गाने गवाए, लता जी का रफी साहब का ड्यूट आप देखिए क्या गाना आज तक का इतना बेहतरीन गाना है तुम तो प्यार हो, तो वो जो रेगिस्तान में रेतों के बीच में जब इतनी आवाज जब लता जी गूंजती आवाज आती है क्या गाना था उस दौर में क्या गाना बनाया था रामलाल जी को मैं सलाम करता हूं, बहुत कम गाने बहुत बढ़िया लाजवाब गाने, और रफी साहब की तो आज तक के जो सैड सॉन्ग की जो लिस्ट कैसेटें निकली या सीडी निकली या रिकॉर्ड निकले ये गाना जरूर होता था तकदीर का फसाना जाकर किसे सुना क्या लाजवाब गाना बनाया था, तो इन गानों से आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो ओपन एयर साहब वो कहाँ वो गाना गवा रहे थे रघु साहब से मेरे यार तुम पर सदके ये आपका सावन के सावन घटा का, और वो गाना महेंद्र कपूर से गवाया तो बाद में ओपिनियन निराशा हुई बहुत निराशा हुई, उन्होंने कहा चलो मैं क्या किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में महेंद्र कपूर से गवाया लेकिन वो बात जमी नहीं, तो इस फिल्म के पास आप देखें कि ओपिनियन जी का जो कैरियर ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे नीचे डाउन होता रहा, और एक दौर ऐसा आया 1972 में जब आशा ओपिनियन जी के मन में खटास और उनके विवाद बेमनस से हुआ कुछ गलत फहमियाँ हुई, तो बिल्कुल ही कैरियर ओपिनियन जी का बिल्कुल ख़त्म हो गया, रफी साहब ने फिर दोबारा ओपिनियन जी के पास गए और उन्होंने उनकी जो गलत फहमियाँ थी उनके प्रति जो मन मिलाप था वो ख़त्म हुआ, और रफी साहब ने उनको गले लगाया, और फिर उन्होंने रफी साहब के साथ फिल्म की फिर माँ के बच्चे और हीरा मोती और दोनों फिल्मों के गाने रफी साहब के बहुत हिट हुए, तो लेकिन फिर भी एक जो कमी रह गई थी जो गीतों की कड़ी जो हमें गाने मिलने थे जो सुनने को मिलने थे जो मेरे सनम वो एक मुसाफिर का सीना तो फिर वही दिल लाया हूँ तुमसा नहीं देखा जो इन्होंने परंपरा सी आई डी और आर पार जो शुरू की थी ओपिनियन साहब ने गोल्डन
इरा की जो शुरुआत की थी वो कहीं ना कहीं हमें रफी साहब को बड़ी महसूस होती है, पीड़ा होती है कि काश वो कमी कमी अगर ओपिनियन साहब के हमें सुनने को मिलते तो क्या लाजवाब म्यूजिक होता। तो चलिए आज अभी हम लोगों ने जाना नैयर साहब और रफी साहब भी जो मनमुटाव हुआ था उसके कई कारण थे और कोई एक घटना के आधार पे इतना बड़ा कोई फैसला नहीं ले सकता है। और सही कहा कि एक लंबा एक सिलसिला होगा रहा था कि जो जिसके कारण ओपी नैयर साहब का थोड़ा सा मन रफी साहब से थोड़ा सा अलग हटता रहा और एक उस घटना के बाद एक कहे कि एक एक मतलब पूरा सामने आ गया, उनका जो अंदर से जो उनकी भावना थी वो सामने आ गई। और इसके बाद लेकिन रफी साहब का तो चलता रहा कैरियर, तो ग्राफ बढ़ता रहा। आप रफी साहब का ग्राफ देखिए तो चलता रहा सर। आप जब वो हज पे गए थे तो हज पे इकहत्तर का जो दशक था वो उसमें रफी साहब ने गाने गाए, रफी साहब देखिए कभी रुके नहीं, रफी साहब के गाने आप देखिए सत्तर के लेके अस्सी गाते रहे कभी किसी दौरान उन्होंने कोई कुछ समय के लिए रुके थे लेकिन गाने कम जरूर हुए लेकिन रफी साहब गाते रहे, ऐसा नहीं है कि रफी साहब। और जब रफी साहब ने कम बैक किया तो ऐसा कम बैक किया और वो बाकी सारे गायक सब पीछे चले गए और दूसरे पायदान पे आ गए। और रफी साहब की उस दौर आप जब रफी साहब ने कम बैक किया तेरी गलियों में न रखेंगे कदम और लैला मजनू गाने थे और उषा खन्ना का जो मैं उषा खन्ना जी का तरह फैन और उनका जो भी गाना आया बाजार में रिकॉर्ड आए तेरी गलियों में ने गाने बजा इतना और इस गाने को नॉमिनेट भी हुआ लेकिन वो रफी साहब को फिल्म फेयर के लिए नहीं मिला। लेकिन क्या होता था कि रफी साहब की एक बहुत बड़ी खासियत ये रही कि जो गाने रफी साहब के टॉप पे रहे उस साल बजते रहे और खूब लोगों ने गाने सुने वो गानों को अगर कभी पुरस्कार नहीं मिला तो बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन होती थी वो रफी साहब को सम्मानित किया करती थी। जैसे संगम फिल्म का गाना ये मेरा प्रेम पत्र उस साल का नंबर वन गाना वो पूरी फिल्म का मेन गाना था ये मेरा प्रेम पत्र उसी गाने पे ही पूरी फिल्म आधारित थी। और उस फिल्म का एक और खासियत है कि पूरा फिल्म का क्रेडिट रफी साहब और राजेंद्र कुमार ले गए पूरी फिल्म का क्रेडिट और वो गाने को रफी साहब को फिल्म पे अवार्ड नहीं मिला लेकिन बंगाल एसोसिएशन ने उस फिल्म को बेस्ट सिंगर के रूप में रफी साहब को सम्मानित किया। ऐसी ये गाने के लिए रफी साहब को सम्मानित किया गया तेरी गलियों में रखेंगे कदम। और उसी दौरान आप देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोबारा कम बैक किया वो गाना आज मौसम बड़ा बेमंद है तो रफी साहब ने फिर वो अपना जो गोल्डन पीरियड था वो वापस आया। तो जैसा कि सुना हम लोगों ने आज बात की ओपी नैयर साहब और रफी साहब के बीच में जो मनमुटाव के कारण थे विभिन्न कारण थे तो आगे हम लोग और भी रफी साहब से जुड़ी विभिन्न चीजों के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आपको कैसा लगा यह प्रोग्राम और आपकी कोई अगर राय हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम।